वेलकम टू एवरीवन। एशिया फॉरेस्टिंग क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा फॉरेस्ट सर्विंग, अर्थात जो वन सर्वेक्षण होता है आपका। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्विंग या सर्वेक्षण होता क्या और इसे किया क्या जाता है। देखिए, सर्वेक्षण का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना या उस स्थान की जो दिशाकृति है या स्थिति है उसका चित्रण करना, जिससे कि हमें आसानी से उस जगह के बारे में जानकारी मिल सके, ये सर्वेक्षण कहलाता है। अब सर्वेक्षण आवश्यक क्यों है? भी सर्वेक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि सर्वेक्षण की सहायता से उस स्थान की जानकारी हमें पता चलती है, जिससे कि भविष्य में बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, परियोजना हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं, उन सबको करने और उनकी रूपरेखा बनाने में सहायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वेइंग की। तो इसके लिए हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात करेंगे। यही है जो आपकी सर्वेइंग करता है, सर्वेक्षण करने का काम, जो वन की सर्वेक्षण का काम है वो यही करता है। और जब की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2019 को आई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है निकाला जाता है, किया जाता है। और ये FSI जो है वो देहरादून में स्थित है और इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट सर्वेइंग या वन सर्वेक्षण कितने वर्षों में किया जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। और ये जो है ये वन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है आपका, और इसको जारी करने का काम भी यही मंत्रालय करती है, डिपार्टमेंट जो है आपकी मिनिस्ट्री। इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो 1987 को जारी की गई थी। तो अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पूछा जा सकता है कि पहली रिपोर्ट जो है वो कब जारी की गई थी, तो 1987 में। और आप देखिए 16वीं रिपोर्ट है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर भी सकते हैं, 16 × 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 32, सिंपल सी चीज है। और अगर इस 32 को अगर आप यहाँ पर 1987 में ऐड कर देंगे तो 2019 आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो 16वीं रिपोर्ट है वो जारी की गई थी 30 दिसंबर 2019 को। इस रिपोर्ट को या फिर जो आपका सर्वेक्षण किया जाता है उसके लिए जो सैटेलाइट यूज की गई है वो है रिसोर्स सेट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, या आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में इवन आपको ये आ सकता है कि कौन से सैटेलाइट सर्वेइंग की जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो वनावरण या वन क्षेत्र जिसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, एक्चुअल में वो कौन सा एरिया होता है, तो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो। पॉइंट ध्यान रखेंगे आप इसको कि वे सारे भूमि जिनका जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, तथा वृक्ष घनत्व जो आपका फॉरेस्ट डेंसिटी है वो 10% से अगर अधिक हो तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कवर। 2 कंडीशन है, पहला एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा जो ट्रीज का डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, आप उसको फॉरेस्ट कवर बोल सकते हैं। भूमि का स्वामित्व व कानूनी दर्जा इसे प्रभावित नहीं करता, या आवश्यक नहीं कि इस प्रकार की भूमि जो है वो अभिलेखित वन में सम्मिलित हो। जरूरी नहीं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो आपके रिकॉर्ड में दर्ज होना ही चाहिए या वो उसमें कोई कानूनी दर्जा दिया गया हो, उसे ऐसे कुछ। नेक्स्ट है वृक्षावरण, जिसे ट्री कवर कहा जाता है, या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। तो ये कौन से क्षेत्र होते हैं, इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के जो वृक्ष झुंड रहते हैं, ट्री कवर इनको कहते हैं। और इस प्रकार के जो ट्री कवर रहता है उसमें सभी प्रकार के वृक्ष आते हैं, चाहे वो छिपरे हुए क्यों ना हो। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो आपका फॉरेस्ट कवर है, इंडिया की बात की जा रही है, वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। और अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 712,249 स्क्वायर किलोमीटर है। वृक्ष क्षेत्र या ट्री कवर की बात करें तो 95,027 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका ट्री कवर एरिया है, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.89 है। और अगर मैं टोटल करूं तो 807,276 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टोटल एरिया है, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 24.56% है। और अगर हम तुलना करें, क्योंकि देखिए 16वीं रिपोर्ट आपकी 2019 को आई थी तो 15वीं रिकॉर्ड 2 साल पहले 2017 को आई होगी, तो अगर हम उस रिपोर्ट से तुलना करें तो वृक्ष तथा वनावरण दोनों में ही 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये 0.65% अगर हम परसेंट में ले तो 0.65% की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में जो आपकी वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में,
वो 0.56% जो कि 3,976 स्क्वायर किलोमीटर है, और वृक्षावरण जो है वो 1212 किलोमीटर की वृद्धि हुई है जो 1.29% है। अब अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो मैं वृद्धि 0.65 बता रहा हूँ, बट यहाँ पे टोटल इससे ज्यादा आ रहा है, तो मैं बता दूं कि वनावरण की तुलना वनावरण से की गई है और वृक्षावरण की तुलना वृक्षावरण से की गई है, और यहाँ पर टोटल तुलना की गई। अब कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सर्वाधिक जो आपकी वृद्धि वाले राज्य, अगर 2017 से हम तुलना करें तो किन राज्यों में वृद्धि हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल बन सकती है। कर्नाटका में वृद्धि हुई, आंध्र प्रदेश में हुई, केरल, जम्मू और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर दिया भी गया कि कितने की वृद्धि हुई, 1025 स्क्वायर किलोमीटर, 990 स्क्वायर किलोमीटर, 823, 371 और 334 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें एटलीस्ट आपको तीन तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, अगर आप पीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो पहला दूसरा और तीसरा आपको याद होने ही चाहिए। और जो कमी आई है, जो फॉरेस्ट एरिया कम हुए, उसमें आपका मणिपुर है 499 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड है, तो इनमें देखिए 499, 276, 180, 27 और 3 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 77,482, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। यहाँ पर जो परसेंटेज है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 90% या टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 85% ये जो है आपके फॉरेस्ट से कवर है। और अगर हम एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। चलिए ये एक तुलना है, आप देख सकते हैं कि वृक्ष और वनावरण की क्या स्थिति रही। तो अति सघन वन जो है वो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 3.02 जियोग्राफिकल एरिया पर जो है, जिनका एरिया 99,278 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्यम सघन वन की बात करें तो 3,08,472, खुले वन की बात करें, ओपन फॉरेस्ट 3,04,449, कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 7,12,249, और अगर वृक्षावरण या ट्री कवर की बात करें तो 95,027, टोटल जो है आपका 8,07,276, और इसमें जो श्रब्स हैं झाड़ियां 46,297 है। और यहाँ पर प्रतिशत भी दिया गया कि कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये। इसके बाद 17 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 33% अधिक वनावरण है। देखिए 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और 33 से 75% के अंतर्गत कौन से आते हैं, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, दादर, छत्तीसगढ़, जम्मू, असम, उड़ीसा। तो ये वनावरण वाले हैं, फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर सर्वाधिक वृक्षावरण की बात की जाए तो जो ट्री कवर है उसकी बात की जाए तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली और केरल में है। टीओएफ का मतलब होता है ट्री आउट ऑफ आउटसाइड फॉरेस्ट, जो वृक्ष आपके बाहर में पाए जाते हैं, वृक्ष के बाहर पाए जाते हैं, सॉरी माफ करेंगे, वन के बाहर पाए जाते हैं, उनकी अगर स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा टीओएफ जो है वो महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और प्रतिशत की बात करें तो लक्षद्वीप, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, नागालैंड। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट मतलब वन से बाहर, चाहे किसी स्थान पर हो सकता है, शहर में हो सकता है, वहां पे जब वृक्षों की बात की जाती है तो इसको टीओएफ कहा जाता है। और ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड की बात करें, अगर हम खड़ी लकड़ी का आयतन, तो कुल हमारे पास जो है वो 5,915.76 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वनों के भीतर ये हो जाता है 4,273.47, और वनों के बाहर जो पाया जाता है वो आपका 1,642 मिलियन क्यूबिक मीटर। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की बात करते हैं तो ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1990 जो रहती है उसके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में जारी की जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपका। और इसकी इसका जो मेन काम रहता है वो विभिन्न देशों की, अभी तक हम राज्य की बात कर रहे थे बट अब देश की बात करते हैं, विभिन्न देशों में वनों की स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए ये किया जाता है। और 2015 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का 10वां स्थान था, पहला स्थान रूस, फिर ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चीन, कांगो, डीआरसी जो है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू है। और सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्र मतलब अगर हम देखें कि वृद्धि करने वाले
ये तो टोटल की बात है, बट अगर हम एरिया की बात करें तो पिछली 2010 की तुलना से अगर हमने देखा तो हम 8वें स्थान पर थे जो वृद्धि कर रहे हैं वन क्षेत्र में, और 2000 जीएफआर ए जो 2020 है उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर। देखिए यहाँ पर 8वां था, यहाँ पर तीसरा हो चुका है। भारत में हर साल वन क्षेत्र में 0.38 की प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। कहीं ना कहीं देखिए डिसएडवांटेज है कि जंगलों की कटाई करते हैं, बट रिपोर्ट तो यही कह रहा है कि भाई वृद्धि हुई है। इसके बाद मैं सर्वेक्षण की बात करके, सर्वेक्षण क्यों जरूरी है, हमने भारत में वन का सर्वेक्षण रिपोर्ट भी देखा, अब सर्वेइंग किया कैसे जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वेक्षण वह कला है, कला एवं विज्ञान है, जिसके द्वारा अर्थ क्रस्ट या भूगर्भ या आकाश में स्थित दो बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन, उनके बीच की दूरी, ऊंचाई या दिशा माप कर ज्ञात की जाती है। सपोज मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है और यहाँ पर दो पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट की अगर मुझे स्थिति जाननी है तो इसके लिए जो उनके बीच की दूरी है या ऊंचाई है या दिशा है इसको माप कर मैं क्या करूंगा, सर्वेक्षण करूंगा। और भू सर्वेक्षण जो है आपकी वह क्रिया जिसके द्वारा भूमि पर स्थित सभी वस्तुओं को मानचित्र या नक्शे में उसी आकार में डिस्प्ले किया जाता है। अब अगर हम बात करें सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट जो हम यंत्र उपयोग करते हैं उसके आधार पर सर्वेइंग को बांटा गया है। पहला जरी चैन की सहायता से, दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटर दिक्सूचक की सहायता से, तीसरा स्क्रीन सर्वेइंग स्क्रीन की सहायता से, थियोडी लाइट और टैकियोमेट्रिक दो यंत्र होते हैं की सहायता से हम पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर सर्वेक्षण करते हैं। फिर फोटो सर्वेइंग आपको पता होगा अंतरिक्ष के लिए एरियल सर्वेइंग किया जाता है। तो ये आपकी लास्ट लेवल सर्वेइंग जो समतल भूमि पर की जाती है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ सर्वेइंग अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट यूज, यंत्रों के आधार पर जो सर्वेइंग की जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा सर्वेइंग, देखिए फॉरेस्ट सर्वेइंग जनरली या तो एरियल होती है या तो आपकी थियोडी लाइट या टैकियोमेट्रिक होती है, क्योंकि पहाड़ों पर भी जाना पड़ता है इधर उधर, तो ये होते हैं। फिर अगर हम पर्पज या उद्देश्य के आधार पर करें तो आपकी इंजीनियरिंग सर्वेइंग जो इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, फिर आपकी ग्राउंड सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग का मतलब जो पुरातत्वविद या पुरानी चीजों को के बारे में जानकारी के लिए करते हैं। फिर आपका मिलिट्री सर्वेइंग एंड मिनरल सर्वेइंग, तो इसमें ग्राउंड सर्वेइंग जो रहता है वो ज्यादातर फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फिर विभिन्न मापों के लिए सर्वेइंग में जो तरीके यूज किए जाते हैं, कदम के द्वारा मापा जाता है या फिर पैसोमीटर आता है जो पद मापक होता है। पहला कदम के द्वारा मतलब 1 2 3 4 जब हम मैनुअली गिनते हैं, दूसरा पद मापक के द्वारा जो आपकी घड़ी में लगा रहता है, आप देखे होंगे जैसे आप चलते हैं तो वो काउंट करने लगता है वो। फिर आपका पेडोमीटर होता है, फिर आपका चैन सर्वेइंग और स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगी होती है, तो उनकी सहायता से हम सर्वेइंग करते हैं। और सर्वेइंग के लिए जो आवश्यक उपकरण है या आपको पूछे जा सकते हैं, चैन होता है, टेप, एरो, पैक्स, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, क्रॉस स्टाफ, फील्ड बुक, मैग्नेटिक कंपास, ऑप्टिकल स्क्वायर, लट्ठा, इन सब का यूज किया जाता है सर्वेइंग में। इसमें चैन के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने कौन कौन से प्रकार के चैन है, तो इंजीनियरिंग चैन होता है, गंटर चैन है, रेवेन्यू चैन और मीटर चैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ऐसे चैन रहते हैं जिनका यूज किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेवेन्यू चैन की लंबाई कितनी है, कड़ियों की संख्या कितनी है, एक कड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए रेवेन्यू चैन की टोटल लंबाई होती है 33 फीट, वैसे ही गंटर चैन की होती है आपकी 66 फीट, इंजीनियरिंग चैन की होती है 100 फीट, और मेट्रिक या फिर जो मीट्रिक टेप बोलते हैं इसकी होती है 20 या 30 मीटर। और करियों की संख्या या नंबर ऑफ रिंग्स की बात करें तो रेवेन्यू में 16, गंटर, इंजीनियरिंग और मैट्रिक तीनों में 100 होते हैं, मैट्रिक में 150 भी होता है कभी कभार। और अगर मैं एक कड़ी की लंबाई की बात करूं तो रेवेन्यू में 2.06 फीट, गंटर में 0.66 फीट, इंजीनियरिंग में 1 फीट और मैट्रिक में 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो ये एक कड़ी की लंबाई क्या होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिये ये होती है कुल जो आपकी, एक मिनट में बता देता हूँ, यानी कि ना कड़ियों की संख्या, तो ये कुल कड़ियों की संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 करके ऐसे 100 कड़ियां होती है, और ये एक कड़ी से दूसरे कड़ी के बीच की जो लंबाई रहती है इसी कहा जाता है एक कड़ी की लंबाई। तो ये आपका सर्वेइंग था, एंड थैंक यू सो मच, यहीं पे आपका टॉपिक खत्म होता है।